अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एसएन फारूक हियर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और कल के प्रॉफिट को आपने सही से एंजॉय किया होगा। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको फौरी से नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप एक ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकें। माशाल्लाह हमारी एक्यूरेसी इतनी ज़बरदस्त है कि मार्केट एज इट इज़ हमारी बताई हुई चीज़ों को फॉलो करती है जिस तरीके से हम बता रहे होते हैं। मैं आपको पिछले दो दिनों की ज़रा अगर बताऊँ, सबसे पहले ये कल का हमारा एनालिसिस था, हमने आपको बताया था कि मेरी कल की वीडियो अगर आप सीखना चाहते हैं फॉरेक्स, कल की वीडियो लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे मार्केट थी इस जगह पे, उस वक्त सेल का कैंडल था, मैंने बाय ली थी लाइव मार्केट में, वीडियो में बाय ली थी। और आपको बताया था कि मैं क्यों बाय ले रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर को अगर मैं देखूँ तो बहुत सारे सेलर्स जो है वो मार्केट में आ चुके हैं और बायर्स जो है वो कम रह गए, जिसकी वजह से मुझे पता है कि अब सेलर्स का स्टॉप लॉस जो है वो खाया जाएगा और मार्केट को स्मार्ट मनी बाय में लेके जाएगी। इसी वजह से वीडियो का टाइटल भी था वॉर विद द बैंक्स, लेट्स अर्न सम गुड मनी। और अल्लाह का शुक्र है, जहां से हमने बाय आपको दिखाई, जहां से मैंने बाय की वहां से मार्केट 400 पे ऊपर गई, और अगर आपने यहां से भी बाय किया होता तो तकरीबन 200-250 पिप्स का प्रॉफिट आपने लिया। उसके बाद मैंने बिल्कुल टॉप से आप देख सकते हैं सेल ली थी, जो कि अभी मैं क्लोज करने लगा हूँ, 100 पिप्स का हमारा वो था प्रॉफिट, और तकरीबन 5-6 पिप्स से जो है ये हमारा टेक प्रॉफिट रह गया। ये आपके सामने मैं जो है क्लोज $70 पे क्लोज कर रहा हूँ। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो ट्रेड कॉपियर में भी सिलसिला आगाज़ हो गया। कल भी बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया, कल $150 का प्रॉफिट हुआ, आज $80 का प्रॉफिट हुआ माशाल्लाह, आपके सामने जो अभी 70 ट्रेड काटी है। इंशाल्लाह इसी सिलसिले को मैं जारी रखूंगा। $10,000 की अगर आपके पास इक्विटी है, कोई फीस नहीं है, आप ट्रेड कॉपियर सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर पे हमने ये भी बना लिया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, वो भी आप ले सकते हैं $10,000 से अबव अगर आपकी इक्विटी है। अगर इक्विटी की मैं क्यों बात करता हूँ ट्रेड कॉपियर पे और सारी चीज़ों पे, क्योंकि मेरा अपना जो अकाउंट है वो $10,000 का है, ठीक है, $10,000 का मेरा अकाउंट है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि सेम कंडीशंस हों ट्रेड कॉपियर के लिए। ये की अगर हम बात करें तो उसकी वजह ये है कि देखिए, ये हम काम करेंगे इंडिसेस पे, क्रिप्टो पे बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अगर आपके पास $1,000-$2,000 की इक्विटी है तो वो पता भी नहीं लगेगा, आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। ये वजह है, जो छोटे अकाउंट्स हैं $100-$200-$5,000 ये जितने भी हैं, इनको हम स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर देते हैं, जिससे जो है आप खुद से ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस हफ्ते तमाम सीट्स फुल हो चुकी थी $100 वालों की, बहुत सारे लोगों को मैंने दिए भी हैं। अगले हफ्ते के लिए जो है वो भी सीट्स छोटे अकाउंट्स की बुक हैं, सिर्फ इस वक्त मेरे पास $5,000-$10,000 वालों की जो है वो सीट्स अवेलेबल हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहता है, नीचे मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे मैसेज करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताऊं कि हमने बिल्कुल एग्जैक्ट, ये हमारी लास्ट 3 वीडियो में आप चेक करें, मैंने बताया मार्केट यहाँ तक जाएगी, एग्जैक्ट वहाँ तक गई, फिर मैंने आपको बताया था यहाँ से ये ऊपर आएगी, सेम एज इट इज़, एक पिप भी वहाँ से ऊपर नहीं गई, फिर मैंने कहा था यहाँ आएगी। एग्जैक्टली मार्केट जिस तरीके से रन कर रही है, बिल्कुल ये पूरा पैटर्न पिछली 2 वीडियोज़ में हमारा था और 100% मार्केट ने उसी पैटर्न को जो है फॉलो किया। आज हमें क्या लगता है मार्केट का, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला हमारे पास एरिया जो है बाइंग के लिए, क्योंकि D1 पे देखें आपने सेलर्स को बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रैप किया गया है गोल्ड में, और H4 अभी जो है वो सेल दिखा रहा है, मगर H1 जो है वो यहाँ पे इस एरिया पे रेजिस्ट कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये एरिया टूटता है 1750 का तो मार्केट को तकरीबन 1743-1740 तक आना है। ये वो एरिया जहां पे आपने नजर रखनी है, यहां पे अगर बाय का H4 बनता है, यहां पे अगर बाय का, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, H4 बनता है, आप बाय कर सकते हैं 1780 तक के लिए। यहां से ये हो गई हमारी पहली ट्रेड। अच्छा,
दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या है, एक मिनट दे मैं लाइंस लगा लूं। दूसरा सिनेरियो हमारे पास है कि अगर ये एरिया भी ब्रेक होता है, यानी कि यहां पे H4 बाय में नहीं बनता और इससे नीचे क्लोज होती है मार्केट, तो अगला एरिया जो है हमारे पास बाइंग के लिए वो है 1735, यहां से हम बाय कर सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 1763। ओके, मेरे हिसाब से ये जो दो एरियाज हैं ये सबसे परफेक्ट हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें और बाइंग ट्रेंड में ही, रिट्रेसमेंट की बजाय बाइंग ट्रेंड में ही अगर आप बाय लेना चाहें, तो हमारे पास ये सिनेरियो बनेगा कि आप सबसे पहले इंतजार करेंगे ये एरिया ब्रेक होने का, जो ये हाई चल रहा है 1760 का, मार्केट अपना जो कल का हाई था उस पर जाएगी, फिर आपने इंतजार करना है मार्केट के वापस उसी एरिया पे आने का 1760 पे, या माजरत चाहूंगा यहां पे अगर बाय आपको दिखती है H1 पे तो आप बाय कर सकते हैं 1780 तक के लिए। तो गाइज ये हमारे तीन सिनेरियोज हैं, इंशाल्लाह आज के दिन भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं बहुत उम्मीद से हूँ इस चीज पे। अल्लाह का शुक्र है पिछले 3-4 महीने से जब से वीडियोस का सिलसिला चल रहा है रोज की बुनियाद पे एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हम कमाते हुए आ रहे हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबियां देगा। वीडियो आपने लाजमी शेयर करनी है, आप भाइयों ने वीडियो लाजमी शेयर करनी है, और जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर ट्रेड कॉपियर या EA स्टॉप लॉस हंटिंग सॉफ्टवेयर का लेना चाहते हैं मुझे जल्द से जल्द मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, जुम्मे का दिन है, जम के पैसे कमाएं। अल्लाह हाफिज़।